तुहानू पता है शमशेर हजे मैनू होर गल्लां दस ही रहा कि इन्हें आके किसी गड्डे ने उन्हें मार दिता चाहते चाहते मैं मेरी धी का सच दस गया तेरी धी कोई होर नहीं बल्कि दृष्टि ही है कहते होंगे ने कि मरण के टाइम बंदा कभी झूठ नहीं बोल उन्हें जो भी दसा वो सच से इसलिए वो भी मेरी जिंदगी का इतना वड्डा राज इस दुनिया तो जाते जाते मेरे अगे खोल गए गल सच पर की जीवन सचमुच बोल सकता सी जीवन ना सिर्फ बोल सकता सी वो चल फिर भी सकता सी साढ़े सब सामने बस वो पैरालाइसिस होने की एक्टिंग कर रहा सी उन्हें सब कुछ तैनू पहला क्यों नहीं दस दिता गुरु जी ने उन्हें इदा करने तो मना किया क्योंकि गुरु जी ने कहा कि भविखबाणी के अनुसार अपनी धी तक पहुंचने का सफर मैनू कल्या नू तय करना पड़ेगा तो जो कोई इंसान भी मैनू मेरी धी बारे सच दसेगा उस इंसान की मौत हो जाएगी तो मौत का इल्जाम मेरे उपर आ जाएगा जिवें हुण होया शमशेर जी इसलिए मैं थोनू कह रही उसकी मौत के पीछे मेरा कोई हथ नहीं कोई साजिश के तहत मैनू फसाया जाए गुरु जी की भविखबाणी हो कुछ होर पर कानून इन सब गल्लां नू नहीं मानता कानून सिर्फ गवाह ते सबूत देखता है ठीक है शमशेर जी मैं थोड़िया सारिया गल्लां मन थोड़े के हाथ टुक के बिनती मैं चाहे थोड़े टाइम के लिए मेरी धीआं दे कोल जाण जदों मैनू यह पता लग्या कि दृष्टि मेरी थी अखा भर के नूं वेख भी नहीं पाई इन्हां हत्थां नाल महसूस भी नहीं कर पाई शमशेर जी बस एक बार मिनटाली मैनू मेरी धी नूं अपने गल दे नाल लाउण दिओ माफ करी ना तेरे ते हिट एंड रन दा केस लग्गा ते मर्डर दा इल्जाम है इसलिए इस मामले च मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकदा शमशेर जी मेरी धीआं कल्ले रोंदियां पईआं ने उहनां नूं इन्नी आदत नहीं है मेरे तो बिना रहण दी परेशानी समझ सकता देवांश पर अपना ध्यान रख जे तू ठीक नहीं रहेगा तो नैन की सारी लड़ाई एक कानूनी लड़ाई किदां लड़ेगा हर रोज की लड़ाई लड़ के थक गया गुरु जी एक लड़ाई एक करदे बाहर चल रही है एक लड़ाई करदे अंदर चल रही है एक लड़ाई वो सी जो कल तक मेरे अंदर चल रही सी मैं समझ सकता दिवांश कि तेरे ते की बीत रही है अज जब मैं नैन नू मिलन गया ना मैं उहदे सामने बहुत स्ट्रोंग बनने की कोशिश की थी पर अंदर ही अंदर मैं यह सब लड़ाई लड़के भज दौड़ करके टुट चुकिया यो वक्त है दिवांश हालातों के नाल डट के मुकाबला करा था पहले रीटा ने मेरे सामने सब कुछ कबूल किया कि उन्हें मेरी माँ मेरी बीजी नू मारिया फिर उन्हें मेरी जान लैन की कोशिश की थी पर इन्ना सब कुछ होने तो बाद भी प्रभु की कृपा ना मैं बच गया मैं तो उस वेले रीटा नूं सजा दवाना चाहता सी पर गुरु जी तुसीं मैनूं रोक दिता इसलिए मैनूं यादा जान का नाटक करना पे नैन तो भी सब सच लुकाना पे की करता मैं मजबूर सी उस दिन तो बाद ना गुरु जी जब जब मेरे मुंह तो रीटा ली मां शब्द निकले मेरा दिल जानता अंदर ही अंदर मैनू कितनी तकलीफ हुई पागला वांग गुस्सा आंदा सी मैनू पर मैं कुछ कर नहीं पांदा सी क्योंकि भविखबाणी दे मुताबिक उस रीटा तो बदला उसदा मां ने लिया उस दिन भी मैं
मैं मजबूर सी। रीटा ने मेरे सामने बहुत बार ने तकलीफ दी, इंसल्ट किया, पर मैं साइड लैंदा रहा रीटा दी, क्यों? क्योंकि मैं मजबूर सी। रोजी मैं एक दिन पता लग्या कि जिहड़ी साडी गवाची हुई धी सी जिहनूं असीं इन्ना लभ रहे सी वो होर कोई नहीं, वो साडी दृष्टि है। मैनूं इह गल वी मैनूं तो लुकाउणी पई क्योंकि मैं मजबूर सी। मेरी मजबूरी कद खत्म होएगी गुरु जी? बिल्कुल नैन की हालत दिखनी जा रही, किसी जुर्म ने नैन यह सब सहना पै रहा। मैं तुहानू बहुत तंग किया नैन दी, प्लीज मैनू माफ कर देना। नैन मैं तेनू दस नहीं सकती, मैं तेनू इत्थे देख के किन्ना दुखी हाँ, तेरे नाल बहुत गलत हो रहा। पता नहीं तेरे दुख कद खत्म होंगे मेरी धीए। शमशेर जी असी सारे नैन भाभी नू मिलना चाहते हैं, प्लीज। ठीक है, थैंक यू। अपने सीने ना लाना, कदे वख ना होण दा। लगता है मेरी अजे होर प्रीख्या बाकी, जिहड़ा मैं अपनी धी दे सामने हुंदिया होया भी उहनूं गल नाल नहीं ला सकती। काश मैं नैन नूं हुण इस वेले दस सकदी कि इही दृष्टि उहदी अपनी धी है जिहड़ी गवाच गई सी। नैन अपने बच्चियां नूं देख लै। याद आ रही सी, मम्मा भी तुहानू बहुत याद कर रहे से बच्चे। कृष्टी मेरा भी इतना टाइम नहीं गुजर रहा, मेरा बहुत मन कर रहा सी मैं घर आके तुहानू मिला, पर मेरी मजबूरी सी। छेती वापिस आवांगे घर तुहाडे तो। सारे ते बच्चे मैं मिलवाण लेके आए, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज, राज मम्मा ने तंग ना करी। अच्छा बड़े अम्मा जल्दी आओगे ना? तो बच्चा चाची जी तुसी किवें, घर सब किवें ने? सब ठीक तो है ना? तेरे बिना ना असी ठीक हाँ ना घर ठीक है, पूरा घर ना सानू खाण नू तोड़दा है। असीं सारे तैनू बहुत मिस करदे आ। नैन तेरे बिना घर च बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। हवे इक्की दिन होया है तुहानू आए,
ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੀਲੋ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ। ਨਹੀਂ ਨੀਲੋ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਪ ਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ ਦੇਵਾਂਸ਼, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਵਕਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਦੇਵਾਂਸ਼, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਦੇਵਾਂਸ਼, ਇਹ ਵੇਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਸਭ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤੇ ਨੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਜੈ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ। ਅਨਿਕਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਨੀਲਮ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਮਤਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ? ਦੀਦੀ ਜੀ ਰਿਲੈਕਸ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਉੱਠੋ। ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਦੀ ਆਈ? ਆਓ ਦੀਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਦੀਦੀ ਜੀ।
दीदी जी वो कुड़ी तो इतनी ताकतवर सी कि उन्हें एक झटके से सानू चौके परे मारे इन्ने दिनों की वो कुड़ी साडे विच सी सानू पता नहीं लग्या मैनू वही समझ नहीं आ रहा कि इन्नी बार मैं उस दृष्टि नू हाथ लाया पर कदे भी मैनू इन्नी जोरदार झटका क्यों नहीं लग्या दीदी जी मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा पर हुण जो भी होए पोंपी जदों सानू पता लग ही गया कि दृष्टि ममता का पुनर्जन्म है तो सानू ओनू खत्म करना ही पेगा दृष्टि 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 ये मैं सच्ची यदि किसी तरीके भी मदद नहीं कर सकता मेरे तो नैन की यह हालत देखी नहीं जा रही चाहे जो भी है तो मेरी धी वर्गी ना हुण मेरी ये प्यास पानी नहीं बुझा सकती मेरी ये प्यास मेरी धी दृष्टि नूं वेख के मुकेगी हे रब्बा कहो जो दिन दिखा रहे जिस कुड़ी ने हमेशा मेरी मदद की थी इत्थों तक के जिस कुड़ी दे करके मेरी धी की आत्मा नूं शांति मिली अज मैं उस कुड़ी की मदद नहीं कर पा रहा शमशेर जी किसी रोवो ना शमशेर जी तू जान दिए ना मैं तेनों हमेशा अपनी धी मन्या हमेशा अपनी धी दे जान तो बाद हमेशा उन्हों तेरे च वेख्या ते अज मैं इन्ना मजबूर हो गया कि तेरी मदद ही नहीं कर सकता क्यों क्योंकि कानून ने मेरे हाथ बने हुए ने शमशेर जी मैं सब समझती उसी कानून हाथों मजबूर वंश जी भविखवाणी करके मजबूर सी वो भी चाहते सी मेरी मेरी मदद कर मेरे हालात का तरस आता सी उन्होंने भी पर वो भी मजबूर सी जीवन भी गुरु जी की दसी हुई उस भविखवाणी करके मजबूर सी पर जब उन्हें हिम्मत जुटा के मैंने दसिया तो तू बाद उसकी मौत हो गई पर माता नैना देवी जी तो किसी अगे मजबूर नहीं है मैं उन पर पूरा भरोसा है बहुत छेती छेती मेरी मदद करेंगे मेरे हालात में सुधारेंगे तुम फिक्र ना करो दृष्टि दिवांश मैनू पता है तू नैन नू लेके परेशान है पर तू फिकर ना कर नैन छेती बाहर आ जाएगी तेनू तेरी धी लभी नहीं हजरत नहीं होर किन्ने दिन चलेगा तेरा नाटक मैं जानती हाँ तू याददाश्त जान दा नाटक कर रहे हैं याददाश्त की कह रहे हो तुसी ऐसा बंद कर अपना ये ड्रामा मैनू तो बड़े दिनों तो पता है कि तेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है तू की सोचा सी इन्नी आसानी ना मैनू बेवकूफ बना देगा उस दिन तेनू जिंदा छड़ के गलती कर दिती उस दिन तेनू खत्म कर देना चाहिदा सी चल कोई नहीं फिर की होया जे तू बच गया पर होर किन्ने दिन जिएगा तू मैनू हाथ तक नहीं ला सकदी ये तो मेरा डायलॉग है तू मैनू हाथ नहीं ला सकता पर मैं तेनू नैनू ते तेरे पूरे परिवार नू कदे भी किते भी मार सकती हूं
खबरदार जे तू अपने समूह तो मेरी नैन ना ना लिया देख ले किन्नी खराब है तेरी किस्मत जिदे नाल तू इन्नी नफरत करदा है जिन्हों तू सजा देना चाहता है ओदा तू कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि जे मैनू कुछ हो गया तो तेरी मां का बदला अधूरा रह जाएगा।